क्वेश्चन नंबर 41 में हमको एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो के बीच में. एज वी नो द फॉर्मूला है एफिशिएंसी, तो सबसे पहले आप लिखेंगे एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट. सेकंड स्टेप में आप लिखेंगे ईटा, यानी कि जो एफिशिएंसी का सिंबल है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू अ वर्क आउटपुट ऑफ वर्क इनपुट का फॉर्मूला लिख दीजिए. तो लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन वर्क इनपुट में लिखेंगे एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट. अब देखिए इसके पहले पार्ट में लोड अपॉन एफर्ट है, तो लोड अपॉन एफर्ट को सेपरेट कर लिया और दूसरे इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट लिख दिया. फिर लिखा एफिशिएंसी इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट को हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, तो एमए लिख दिया. और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बनेगा 1/VR, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड वेलोसिटी रेशियो होता है, तो ये तो उसका इनवर्स है. तो हमारे सामने रिलेशन आ जाएगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू एमए अपॉन वीआर. किसी भी आइडियल मशीन में एमए ऑलवेज इक्वल टू वीआर होता है, दैट्स व्हाई एफिशिएंसी इज ऑलवेज 100%. क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें क्वेश्चन है राइट द प्रिंसिपल ऑन विच लीवर्स वर्क, और दूसरा राइट द फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर एंड ऑफ मशीन. तो हमको यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लीवर बताना है जिस पर वो वर्क करते हैं, और उसकी हेल्प से उसके मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला बताना है. तो देखिए, एक ये हमने लीवर का डायग्राम बनाया है जिसमें फलक्रम ब्लैक कलर से ट्रायंगुलर वे में इंडिकेट किया गया है, और उसके राइट और लेफ्ट में एफर्ट और लोड बनाए गए हैं. एफर्ट से फलक्रम तक का डिस्टेंस एफर्ट आर्म कहलाता है, लोड से फलक्रम तक का डिस्टेंस लोड आर्म कहलाता है. यहां हम ये मान के चल रहे हैं कि एफर्ट आर्म और लोड आर्म इक्वल हैं, लेकिन अगर कोई जरूरी नहीं है कि ये इक्वल हों. तो लीवर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, लीवर हमेशा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे काम करता है, यही कीवर्ड आपको लिखना है. देन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ लोड अबाउट द फलक्रम विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट द फलक्रम. देखिए, लोड और एफर्ट दोनों मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द फलक्रम लगाएंगे, तो क्लॉक, अगर मान लीजिए हमने क्लॉकवाइज मोमेंट लोड के लिए ले लिया, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एफर्ट के लिए लेना होगा. तो उसकी हम वैल्यू लिखेंगे, तो लोड के लिए लिखेंगे लोड इंटू लोड आर्म, यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म. ये भी देखिए, एफर्ट फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफर्ट आर्म है, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं. तो इक्वेशन बन गई लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म. अब लोड के नीचे आप एफर्ट को ले जाइए, तो लेफ्ट में लिख दिया लोड अपॉन एफर्ट, तो राइट हैंड पे लोड आर्म को डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो लिख देंगे आप लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. एज वी नो लोड अपॉन एफर्ट इज द मैकेनिकल एडवांटेज, तो एम ए इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. ये एक फॉर्मूला बन के आ गया मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर को निकालने के लिए.